यहाँ से एक्सपेक्टेशंस लगा लें कि इंडिया क्या कुछ करने वाला है उनके होम ग्राउंड में जाकर, या तो सीरीज बराबर होंगी या सीरीज इंडिया जीतेगा या क्लीन स्वीप हो जाएगा। ओके okay. वो जीता ही है तो इस दफा कैसे हार जाएगा? मुझे लगता है इस दफा भी वो जीतेगा क्योंकि उसकी शॉट्स जो है बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी होती है। तो बहुत ज्यादा टफ टाइम देगा साउथ अफ्रीका को क्योंकि इंडिया रिसेंटली डिफीट हुई है न्यूजीलैंड से, वो तो अंदर से बड़े पड़े, वो कहीं निकलना ही निकलना, वो साउथ अफ्रीका पर निकल जाना है और इंडिया अच्छे मार्जिन से साउथ अफ्रीका से सीरीज जीतेगा T20। ओके वो सूर्य कुमार यादव की ये बात है, वो ये मानता है अगर हम जीते तो एज अ टीम जीते, अगर हम हारे तो एज अ टीम हारे। बिल्कुल ये नहीं हम कह सकते कि नहीं यार वो जो मैच हुआ है या न्यूजीलैंड की सीरीज है वो जायसवाल की वजह से हारे हैं। आई मीन इंडिया की जो परफॉर्मेंस है ना T20 में इनक्रेडिबल, उन्होंने जिस तरह वर्ल्ड कप जीता उसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ऑब्वियसली नहीं होंगे, एक उनकी कमी फील होगी डेफिनेटली। वो श्रीलंका के खिलाफ भी यही आपको स्क्वाड नजर आया है, अब बांग्लादेश के खिलाफ भी यही स्क्वाड नजर आया है और अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी यही स्क्वाड है। तो सूर्य कुमार यादव ठीक है, सूर्य कुमार यादव की सबसे बेहतर जो बात है ना वो टीम प्लेयर के साथ बहुत अच्छे से मैनेज करता है कि किस प्लेयर को, मुझे लगता है कि वो कैप्टन बना तो इंडिया तो जीतेगा इस दफा। बिल्कुल थैंक यू। तो इंडिया का पल्ला भारी रहेगा क्योंकि इंडिया की बहुत बैलेंस साइड है, अभिषेक शर्मा भी है जो ओपनर है, उसके बाद सूर्य कुमार है, हार्दिक पांडे है, मतलब ये सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन है और इंडिया। और सूर्य कुमार वाहद वो शख्स है वो अब इंडियन टीम का कप्तान है और वो उस शख्स ने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया, मिलर का कैच पकड़ के दोनों को। रवि बिश्नोई वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर गोइंग अराउंड इन T20 आए, उसके बाद उनकी फास्ट बॉलिंग जिस तरह पिछले साल यही टीम गई थी और उन्होंने इनके यही फास्ट बॉलिंग उन्होंने विकेट वहां पे ली थी, उन्होंने तीनों फॉर्मेट में उनको सीरीज हराई थी। बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट आमना आदिल एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे जी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की T20 सीरीज स्टार्ट होने वाली है। सूर्य कुमार इज द कैप्टन, हार्दिक पांड्या स्क्वाड में नजर आ रहे हैं, अभिषेक शर्मा है, रिंकू सिंह है, बॉलिंग की बात करें आवेश खान और अर्शदीप सिंह का अगेन वही वाला जो एक बॉन्डिंग थी कॉम्बिनेशन था जो हमें लास्ट ईयर नजर आया था सीरीज में, वही सेम सीरीज में हमें कॉम्बिनेशन नजर आएगा। तो होने क्या वाला है बॉलिंग में बैटिंग में, क्या इंडिया एक्सेल करेगा इम्प्रूव करेगा या फिर अगेन इंडिया न्यूजीलैंड का प्रेशर लेता हुआ नजर आएगा, न्यूजीलैंड की हार का प्रेशर लेता हुआ नजर आएगा, बहुत सारी बातें करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। आपका क्या ओपिनियन है साउथ अफ्रीका वर्सेज इंडिया की सीरीज के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। सिजरा आज का हमारा क्वेश्चन ये है, हम लोग बात करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का विजिट अगेन करने जा रहा है इंडिया, क्या लगता है? लास्ट टाइम सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी में ये लोग साउथ अफ्रीका में जाकर जीत के आए थे, इस दफा क्या चांसेस है? इस बार भी चांसेस डेफिनेटली सी बात है 100% नज़र आ रहे हैं। सेकंड के लिए अगर देखा जाए तो इंडिया ऑलरेडी एक बड़े अपसेट से गुजर रहा है, आपको भी पता होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने होम ग्राउंड के अंदर इंडिया जिस तरह से कह लें कि उनको डिफीट हुई है वो अनबिलीवेबल है और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इंडिया अपने होम ग्राउंड में इतने बुरे तरीके से शिकस्त खा सकता है। तो राइट नाउ अगर इंडियन के यंगस्टर्स की बात करें तो वो सारे के सारे बहुत कह लेंगे एक ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्मेंस करने पर बिलीव रखते हैं और जो जो चीज़ें जो जो पर्सन स्क्वाड में शामिल हैं वो तो टीम की बैकबोन है, स्पेशली बात सूर्य कुमार यादव की कर लो, उसके बाद आपके पास अभिषेक शर्मा है, रिंकू सिंह है, हार्दिक पांड्या है, तिलक वर्मा है, अविश खान है, उसके बाद अगर देखा जाए तो एक और बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है अर्शदीप सिंह भी शामिल किए गए हैं। तो आई थिंक सो कि स्क्वाड बहुत अच्छा है, लेकिन साउथ अफ्रीका के स्क्वाड की भी अगर बात की जाए तो उनके पास मेरे ख्याल में मार्कम नज़र आ रहे हैं, क्लासन है, मिलर हैं, उसके बाद जेंसन है, तो उनकी बैटिंग बॉलिंग लाइन भी थोड़ी कम मतलब कि छोटी नहीं है, बहुत बड़े बड़े बैट्समैन हैं नाम उनके शामिल किए गए हैं। तो आपको यहाँ से एक्सपेक्टेशंस लगा लें कि इंडिया क्या कुछ करने वाला है उनके होम ग्राउंड में जाकर, या तो सीरीज बराबर होंगी या सीरीज इंडिया जीतेगा या क्लीन स्वीप हो जाएगा। ओके अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं राइट नाउ इंडिया जो है वो उस फॉर्म में नजर नहीं आ रहा, उस पोजीशन में नजर नहीं आ रहा, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया साउथ अफ्रीका में जाकर प्रेशराइज नहीं होगा बिकॉज ऑल वी नो इज न्यूजीलैंड के साथ क्लीन स्वीप हो चुका है? आई थिंक सो आपने मेरी बात सुने, श्रीलंका के खिलाफ भी यही आपको स्क्वाड नजर आया है, अब बांग्लादेश के खिलाफ भी यही स्क्वाड नजर आया है और अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी यही स्क्वाड है। तो सूर्य कुमार यादव की जो कप्तानी है वो काफ़ी हमें एक हाई प्रोफाइल नजर आ रही है और इंडिया जिस तरह से परफॉर्म करता रहा है, सीनियर्स की तो खैर आप छोड़ी थे बात अभी, क्योंकि सीनियर्स को डेफिनेटली रेस्ट की जरूरत है, स्पेशली रोहित शर्मा और विराट कोहली को, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके पास बहुत अच्छे ऐसे बैट्समैन है जो कि हार्ड हिटिंग करने पर बिलीव रखते हैं। आप अभिषेक शर्मा को देख लें, रिंकू सिंह को देख लें, सूर्य कुमार यादव को खुद आप देख लें, तिलक वर्मा को आप देख लें, अभी रिसेंटली इमर्जिंग एशिया कप के अंदर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही है एज ए कैप्टन भी अगर देखा जाए। तो सेकंडली अगर हम लोग बात करें हार्दिक पांड्या की, तो हार्दिक पांड्या एक अच्छे मैच फिनिशर साबित हो रहे हैं, जब भी आपको रन की जरूरत होती है तो हार्दिक पांड्या एक अच्छा फिनिश करके जाते हैं। अच्छा मुझे आखिरी सवाल बताइएगा, सूर्य कुमार यादव की बात करते हैं, आज तक जितने भी उन्होंने सीरीज एज अ कैप्टन जो है वो लीड किया है, ही हैज़ नॉट लॉस्ट इवन ए सिंगल सीरीज, तो ये जो डिफीट वर्जन सूर्य कुमार यादव है ये ना हो कि वहाँ जाकर ये वाला रिकॉर्ड भी ब्रेक हो जाए? आई थिंक सो ऐसा नहीं होगा क्योंकि सूर्य कुमार यादव बिलीव रखते हैं
कि आपकी मेंटालिटी बहुत ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, चाहे जितनी बड़ी से बड़ी टीम आपके सामने हो। और जरूरी सी बात है, हर कोई खेलने के लिए ग्राउंड में आता है, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आता। तो जिस तरह से आपने बात किया कि वहां पर जाकर एक अनबीटेबल सूर्य कुमार यादव के साथ टैग लगा हुआ है कप्तानी के लिहाज से भी और वैसे भी, तो वो उसको बहुत अच्छा मेंटेन करने वाले हैं एंड ये सीरीज बहुत ज्यादा दिलचस्प नजर आने वाली है। थैंक यू। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के अंदर सूर्य कुमार यादव वही बंदा है जिसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कैच किया था एंड कैच ने मैच को जितवा दिया था। ठीक है जी, थैंक यू। डू यू हैव इंटरेस्ट इन क्रिकेट? A little bit. अच्छा चले, हम आपको एक अपकमिंग मैच के बारे में बताते हैं। सीरीज हो रही है इंडिया और साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका में जा रहा है इंडिया और सूर्य कुमार यादव मिस्टर स्काई 360 जा रहे हैं एज अ कैप्टन। क्या लगता है कैसी परफॉर्मेंस होगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा? जैसे कि हम सबको पता है इंडिया T20 का जो है चैंपियन माना जाता है, तो मुझे लगता है कि अच्छा काम करेगा। जैसे कि स्काई है वो 360 जो है बंदा अब कैप्टन बन के जा रहे हैं, तो अच्छा लीड करेंगे उनको और क्या पता इंडिया जीत जाए इस दफ़ा भी। ओके जो मिस्टर 360 है पहले भी काफ़ी दफ़ा कैप्टन बना है, तो हर दफ़ा वो जीता ही है, तो इस दफ़ा कैसे हार जाएगा? मुझे लगता है इस दफ़ा भी वो जीतेगा क्योंकि उसकी शॉट्स जो हैं बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी होती है। तो मुझे लगता है कि वो कैप्टन बना तो इंडिया तो जीतेगा इस दफ़ा। बिल्कुल ऐसा। थैंक यू। ये जीतेगा इंडिया, टफ टीम टू बीट, बैड लक थी न्यूजीलैंड के साथ, लेकिन ये है कि जितनी कंसिस्टेंसी उन्होंने दिखाई है खासतौर पर चैंपियन टीम है, तो इंडिया का पल्ला भारी रहेगा क्योंकि इंडिया की बहुत बैलेंस साइड है। अभिषेक शर्मा भी है जो ओपनर है, उसके बाद सूर्य कुमार है, हार्दिक पांडे है, मतलब कि सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन है, और इंडिया बहुत ज़्यादा टफ टाइम देगा साउथ अफ्रीका को क्योंकि इंडिया रिसेंटली डिफीट हुई है न्यूजीलैंड से, वो तो अंदर से बड़े पड़े, वो कहीं निकलना ही निकलना, वो साउथ अफ्रीका पर निकल जाना है और इंडिया अच्छे मार्जिन से साउथ अफ्रीका से सीरीज जीतेगा T20। ओके, मुझे ये बताइएगा कि सूर्य कुमार यादव की बात करते हैं T20 के अंदर एज ए कैप्टन अगेन हमें नजर आएंगे, पिछले साल जब वो गए थे तो तब भी उन्होंने जीत दिखाई थी, इस दफा क्या लगने वाला है? बिल्कुल, सूर्य कुमार के जो है स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, कैप्टन और वो T20 का खास प्लेयर है, आफ्टर डिविलियर 360 प्लेयर वही माना जाता है, जिस तरह वो शॉट खेलता है उसकी शॉट सिलेक्शन लोग बड़ा पसंद करते हैं, और ठीक है नंबर 1 T20 में बड़े देर से रहे हैं वो, और इंडिया की टीम अभी भी T20 में नंबर 1 ही है, ठीक है T20 के चैंपियन रहे हैं, तो सूर्य कुमार यादव स्पेशली देखने के लिए होंगे, वो सीरीज जीत के जाएंगे क्योंकि इंडिया ने जो देखना विराट कोहली रोहित शर्मा नहीं है टीम में, लेकिन इंडिया की टीम ने फिर भी रिसेंटली सूर्य कुमार की कप्तानी में सीरीज जीती है, तो सूर्य कुमार एक बहुत खास अच्छा प्लेयर है, और इसके अलावा हार्दिक पांडे, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, मतलब कि पूरी स्ट्रॉन्ग साइड है बैटिंग एंड बॉलिंग, वो साउथ अफ्रीका को मात देगी देगी। और लगा कि आपको खुद भी आइडिया, ठीक है T20 जो है वो एक अलग फॉर्मेट है, अलग प्लेयर्स हैं, लेकिन ऑलरेडी वी नो कि इंडिया अच्छा खासा हार के जा रहा है, तो इंडिया अंडर प्रेशर नहीं होगा कि भाई जो हम लोग वर्ल्ड नंबर 1 टीम माने जाते हैं उस पर कहीं ना कहीं जो है वो क्वेश्चन उठना शुरू हो गया, तो हमने प्रेशर के साथ इसको जीत के आ रहा है और प्रेशर में ये ना हो चौक कर जाए? नहीं, लेकिन मसला ये कि इंडिया एक वाहिद ऐसी टीम है जो कि प्रेशर में चौक नहीं करती, इसका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई रहा है। देखिए कोई भी टीम है, मतलब कि देखे ना, अगर अब ये लोग 2-3 मैच देख रहे हैं, ये वही टीम है जिसने वर्ल्ड कप में 10-11 मैच लगातार जीते थे, तो ये है कि टीम का कोई भी डाउनफॉल होता है, कई मिस्टेक होती है, टेस्ट सीरीज में इनसे गलती हुई, ठीक है सीरीज हार गया, लेकिन इंडिया बाउंस बैक करने की सलाहियत रखता है, चैंपियन टीम कहते हैं इसे है, इंडिया द चैंपियन टीम, और इंडिया लाजमी ये मैच जीतेगी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उनके पास कोई प्रेशर नहीं है। देखे ना, उनके पास इंडिया की वही टीम है जिसमें एकदम सारे यंगस्टर्स हैं, ठीक है कोई विराट नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, इसके अलावा सारे नए प्लेयर्स हैं, 4-5 नए यंगस्टर्स हैं, और यंगस्टर जो प्रेशर नहीं, देखे ना अभिषेक शर्मा के फ्यू मैचेज हुए हैं लेकिन लोग जानना शुरू हो गए हैं, जिस तरह वो स्ट्राइक मारता है 200 की स्ट्राइक से कम, वो छक्के के नीचे बात ही नहीं करता। सूर्य कुमार देख ले उसका स्ट्राइक रेट, हार्दिक पांड्या देख ले, संजू सैमसन देख ले, वो जो ओपनर आते हैं, मतलब कि सारे मतलब कि वो जो 180 प्लस स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, तो इंडिया की यंग साइड है जो कि प्रेशर नहीं लेगी और साउथ अफ्रीका को अच्छे नाको चने चबवाएगी और इंडिया ही साउथ अफ्रीका से जीतेगी। रिसेंट टाइम में इंडिया की जो परफॉर्मेंस है ना T20 में इनक्रेडिबल, उन्होंने जिस तरह वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ऑब्वियसली नहीं होंगे, एक उनकी कमी फील होगी डेफिनेटली, वो उनके सुपरस्टार्स थे, लेकिन जो उनकी बैंक स्ट्रेंथ है ना इंडिया की, मेरे ख्याल में वो किसी भी टीम के कंपैरिजन में सबसे बेस्ट है। सूर्या है, हार्दिक पांड्या है, देन उसके बाद उनके जो अभिषेक शर्मा है, रवि बिश्नोई वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर गोइंग अराउंड इन T20 आए,
उसके बाद उनकी फास्ट बॉलिंग जिस तरह पिछले साल यही टीम गई थी और उन्होंने इनके यही फास्ट बॉलिंग उन्होंने विकटें वहाँ पे ली थी, उन्होंने तीनों फॉर्मेट में उनको सीरीज हराई थी। तो इंडिया की जो टी ट्वेंटी आई की टीम है, ना सिर्फ टी ट्वेंटी आई की बाकी भी दोनों फॉर्मेट्स की दे आर टॉप रैंक टीम इन द वर्ल्ड। अच्छा सूर्य कुमार यादव की बात करेंगे, सूर्य कुमार यादव का ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम एज अ कैप्टन देखें, उन्होंने एक भी सीरीज जो है वो लूज नहीं की है, तो क्या लगता है कि इस दफा ये वो सीरीज तो नहीं होने वाली जिसमें सूर्य कुमार यादव लूज करेंगे? कांट से एनीथिंग बट देखिए, हार जीत तो गेम का हिस्सा है, ये क्रिकेट का हुस्न है हारना और जीतना। तो लेकिन जो ऑन द पेपर ऑफ टीम्स देखते हैं ना, तो इंडिया की टीम में मुझे कोई कमी नजर नहीं आती, बट ऑन द डे कुछ भी हो सकता है, अपसेट भी हो सकता है। उसके बाद साउथ अफ्रीका भी कोई आप ये नहीं कि उसको कोई आप बुरी टीम कह सकते हैं, साउथ अफ्रीका कम्पिटेंट टीम है, उन्होंने उसको जिस तरह फाइनल में उनको कंपटीशन दिया था वहाँ पे, एक्सपेक्टेड है कि इंडिया को मैच हार जाए, बट मुझे नहीं लगता कि सीरीज हारेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू। कैप्टन है, आपको क्या लगता है क्या परफॉर्मेंस देने वाला है इंडिया या फिर साउथ अफ्रीका, कौन कितना खोलता हुआ है और कौन कितनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा? देखें भाई, दोनों टीमें टफेस्ट हैं, वो इंडिया जो साउथ अफ्रीका से सेमीफाइनल जीता, फाइनल जीता हुआ है, और सूर्य कुमार वाहल वो शख्स है, वो अब इंडियन टीम का कप्तान है, और वो उस शख्स ने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया मिलर का कैच पकड़ के, क्योंकि दोनों को इंडिया को उसका दुख है न्यूजीलैंड से हारने का, और साउथ अफ्रीका का दुख है उससे हारने का, इंडिया से हारने का, वो दोनों से बदला लेंगे। ठीक है, आपको क्या लगता है जी? इंडिया, लोग अक्सर कह रहे हैं कि इंडिया को ना ज़रा टफ टाइम मिलेगा क्योंकि वो साउथ अफ्रीका के होम ग्राउंड में खेलने जा रहा है। मेरा मानना है कि इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस कंट्री में या किस ग्राउंड में खेलने जा रहा है, उसको अपनी गेम में इतना बिलीव है कि वो किसी भी कंट्री में जाके या किसी भी होम ग्राउंड में जाके किसी अगली टीम को टफ टाइम दे सकते हैं, किसी भी टीम को टफ टाइम दे सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन है, क्या इंडिया पर एक्चुअल में कोई ग्राउंड, कोई होम ग्राउंड कोई इफेक्ट नहीं करता, किसी भी फील्ड में इंडिया परफॉर्मेंस दे सकता है? इंडिया पर इफेक्ट करती है टीम प्लान और कैप्टन का माइंड सेट। ठीक है, उसे नहीं फर्क पड़ता कि ना क्राउड, क्राउड ना ग्राउंड ना कंट्री का, ठीक है, वो एक टीम प्लान के साथ खेलते हैं और वो एक स्ट्रेटजी के साथ खेलते हैं, ठीक है, और उसी स्ट्रेटजी को वन बाय स्टेप परफॉर्म करके वो मतलब परफेक्टली परफॉर्मेंस देना इंडिया जानता है, ग्राउंड जो भी हो, देखो न्यूजीलैंड के खिलाफ वो थोड़ा बैड लक चला था इंडिया का, ठीक है, अगर ये नहीं कह सकते भी इंडियन टीम बहुत कमजोर है ये वो, क्योंकि वो 2024 के वर्ल्ड कप विनर है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। वो गुड लक ने साथ नहीं दिया इस वजह से थोड़ा सा। आपकी तरफ सर मैं आऊंगी, मुझे ये बताइएगा सूर्य कुमार यादव कैप्टन है टी ट्वेंटी आई के और अभी तक जितनी कैप्टनसी उन्होंने की है कभी वो हारे नहीं है, क्या लगता है आपको अब क्या होगा? सबसे बेहतर जो अगर टीम परफॉर्मेंस देती है या टीम खेलती है वो टीम प्लेनिंग के साथ होती है। सूर्य कुमार यादव की सबसे बेहतर जो बात है ना वो टीम प्लेनिंग के साथ बहुत अच्छे से मैनेज करता है कि किस प्लेयर खिलाना है, किस जगह खिलाना है, ठीक है। तो वो सूर्य कुमार यादव की ये बात है, वो ये मानता है कि अगर हम जीते हैं तो एज अ टीम जीते, अगर हम हारे हैं तो एज अ टीम हारे हैं, ये नहीं हम कह सकते कि नहीं यार वो जो मैच हुआ है या न्यूजीलैंड की सीरीज है वो जायसवाल की वजह से हारे हैं या किसी की तरह, वो कहते हैं नहीं एज अ हम टीम हारे हैं, एज अ टीम हमने अच्छी परफॉर्मेंस दी और एज अ टीम हमने बेहतर परफॉर्मेंस किया। बिल्कुल ऐसा ही है।